अभी की लाइफ बाप रे बाप, सो स्ट्रेसफुल, सब बिजी है। कोई कॉलेज में लेक्चर संभाल रहा है, कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ पे नौकरी संभाल रहा है, कोई वहाँ पे छोकरी संभाल रहा है। तो काम काम कितना काम भाई, ये सब चीज़ें ज़रूरी है मैं जानता हूँ, पर फिर भी आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा और आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। अभी नेचर के साथ जुड़ना मतलब, देखो भगवान ने एक ज़बरदस्त चीज़ बनाई, उसको हम बोलते हैं नेचर। नेचर के अंदर क्या आता है? नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, दरिया, गार्डन, सब। हम अपना फ्री टाइम मोबाइल के अंदर वेस्ट करते हैं, टीवी देख के वेस्ट करते हैं, नेट के ऊपर सर्फिंग करके वेस्ट करते हैं। देखो कंपनी की टैगलाइन होती है कि 24 घंटे ऑनलाइन रहो, पर वो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। वीक में थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ स्पेंड करो, मतलब कि किसी गार्डन के अंदर जाओ अकेले, हाँ किसी लड़की को लेके नहीं जाना, वरना आप ही बोलोगे कि तू नहीं तो बोला था, इसलिए क्लियर कर देता हूँ। वहाँ पे नो फोन नथिंग, सिर्फ अकेले जाओ, शांति से बैठो, एंजॉय करो। अगर गार्डन आपके आसपास है नहीं तो किसी नदी किनारे के पास जाओ, अगर वो भी पॉसिबल है नहीं तो किसी ग्रीनरी के आसपास रहो। तो इससे क्या होगा कि आप बैलेंस हो जाओगे और आप पूरे रिफ्रेश हो जाओगे और आपको अंदर से एक एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी आपको कोई टैबलेट या कोई ड्रिंक नहीं दे सकता। तो मेरे भाई और बहनों, नेचर के साथ रहो और फिर से अपने आप को अपने आप के साथ रिकनेक्ट करो।